हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं बनाऊंगी खिली खिली प्याज वाली भिंडी की सब्ज़ी। ये सब्ज़ी बहुत ही कम टाइम में बनकर तैयार हो जाती है और खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। फ्लेम को मैंने ऑन कर लिया है। मैंने एक कढ़ाई में एक बड़ा चम्मच सरसों का तेल डाल दिया है। तेल गर्म हो गया है। अब मैं इसमें एक चुटकी हींग, एक टीस्पून ज़ीरा डाल दूँगी। जैसे ही ज़ीरा कड़कने लगेगा, मैं इसमें एक लंबाई में कटा हुआ बड़ा प्याज डाल दूंगी। प्याज को मैं पिंक कलर आने तक सॉटे करूंगी। अब मैं इसमें दो हरी मिर्ची, जिसको मैंने मोटा मोटा काट लिया है, वो डाल दूंगी। इसके साथ ही अब मैं इसमें आधा टीस्पून हल्दी पाउडर डाल दूंगी। अब इसको मैं अच्छे से भून लूंगी। हल्दी को मैंने 10 सेकेंड भून लिया है। अब मैं इसमें आधा किलो कटी हुई भिंडी डाल दूंगी। भिंडी को इस तरह से मैंने गोलाई में छोटा छोटा काट लिया है। अब मैं भिंडी को अच्छे से चलाती रहूँगी और इसको भूनती रहूँगी। फ्लेम को मैं यहाँ पर मीडियम ही रखूँगी। मैं भिंडी को हर 2 से 3 मिनट में इस तरह से चलाती रहूँगी ताकि ये नीचे से जले नहीं। अब मैं इस तरह से ही इसको चलाती रहूँगी। अभी भिंडी अच्छे से भूनकर तैयार हो चुकी है और भिंडी की सारी चिपचिपाहट भी ख़त्म हो चुकी है। मैंने भिंडी में आधा नींबू निचोड़ दिया है। नींबू डालना एकदम ऑप्शनल है, आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं। नींबू डालकर मैं भिंडी को 2 मिनट के लिए भूनूंगी। अभी भुनकर तैयार हो गई है। अब मैं इसमें आधा टीस्पून लाल मिर्च पाउडर डाल दूंगी और इसके साथ ही मैं स्वाद के अनुसार नमक भी डाल दूंगी। ध्यान रहे कि नमक हमें बाद में ही डालना है, इससे भिंडी हमारी चिपचिपी नहीं बनेगी और एकदम खिली खिली भिंडी बनेगी। नमक डालकर मैं भिंडी को 2 मिनट के लिए भून दूंगी। फ्लेम को मैं लो कर दूंगी और भिंडी को ढककर 5 से 7 मिनट के लिए पका लूंगी। अब 7 मिनट हो चुके हैं, मैंने इसकी लीड को हटा दिया है। मैं इसको चेक कर लूँगी। मैंने चेक कर लिया है, भिंडी एकदम अच्छे से गल चुकी है। अब हमारी खिली खिली प्याज वाली भिंडी की सब्ज़ी बनकर एकदम तैयार हो चुकी है। अब सर्व करने के लिए मैं इसे एक प्लेट में निकाल लूँगी। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये भिंडी की सब्ज़ी की रेसिपी पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।